शरारती तो सबसे ज्यादा यही था। अच्छा यही था। हाँ, और थप्पड़ भी इसी को पड़ा था, सिर्फ मुझे को पड़ा था। और किसी को नहीं मार पड़ी जी। दोबारा बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद अहमद है। नईम ताहिर साहब, ये बताइए आप अपने बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? ट्रिकी क्वेश्चन जी। हाँ, जरा बताइएगा। हजरत, ये सवाल गलत है। आप बच्चों के दरमियान तफरीक कैसे कर सकते हैं? दुरुस्त बात, आपके बच्चे हैं और आप हर बच्चे से एक से बढ़ के एक से प्यार करते हैं, यकसा मोहब्बत करते हैं। हाँ, ये सोच दुरुस्त नहीं है। हाँ। सवाल करने वालों की, ठीक है, कि आप बच्चों में तफरीक करके प्यार करते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। इनमें से कौन ज़्यादा आपको लगता है रंगीन मिजाज है, रोमांटिक है? तीनों। कभी ऐसा हुआ हॉलीवुड में काम करते हुए किसी ने आपको प्रपोज किया हो या हाँ, आपको कोई अच्छा लग गया हो? नहीं, देखें, जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो लोगों से रगबत और प्यार और मोहब्बत बढ़ जाती है कुछ लोगों के साथ। मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कोई मौका नहीं आया। सबसे ज़्यादा लुत्फ किसके साथ आया काम करके? फीमेल जो एक्टर्स, अल्लाह के फजल से मुझे बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम। जो ABCD में आपके साथ थी? ABCD में मेरे साथ शीतल, हाँ, उसके बाद शीतल ने और मैंने, उसमें मैं और ABCD में वो और मैं बहन भाई थे। अभी हमने एक फिल्म की थी आई विल मीट यू देयर, जिसमें वो मेरा लव इंटरेस्ट। लव इंटरेस्ट। और कौन, किस कोलीग के साथ आपको बहुत लुत्फ आया, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी? हाँ, मेल्स मेल्स में, फीमेल्स में मैंने जोडी फॉस्टर के साथ काम किया जो बहुत अच्छा था, बहुत आला एक्ट्रेस है। मैंने जेफ ब्रिजेस के साथ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ। ये वो लोग हैं जो एक जगह पहुंचे हैं, लेकिन आप उनसे मिलेंगे तो आपको उसी वक्त मालूम हो जाएगा कि यहाँ तक कैसे पहुंचे जी। दोबारा बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। नईम साहब, आपको अपने दोनों बेटों में से किसकी अदाकारी ज्यादा पसंद है, अली ताहिर या फरहान ताहिर? प्यार तो देखिए यकसा हो गया, अब अदाकारी का सवाल। पब्लिक बड़ी जालिम है। पब्लिक बड़ी जालिम है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अली को तो मैं देखता रहता हूँ ना यहाँ, और मेरा ख्याल है अली एक इंतहाई सेंसिटिव एक्टर है जी। यानी इतना सेंसिटिव एक्टर है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो कैसा कैसा परफॉर्म करता है। और मेरे नज़दीक उसकी अदाकारी की बहुत इज्जत है। फरहान को मैंने कम देखा है। अच्छा। लेकिन जितना देखा है उतना ही बहुत अच्छा है। तो मैं कम देख के कोई फैसला नहीं कर सकता। ठीक है, फरहान जो है अभी ये 1.5 महीना है, अभी ये बिठा के सारा काम दिखाने वाले हैं आप। और मैं ये कहूँगा कि मेरे, और मैं ये शो की वजह से नहीं कह रहा, मेरे नज़दीक अली मुझसे बेहतर है। अली नो, ही फ्रॉम अ डिटैच पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई थिंक अली इज अ वंडरफुल एक्टर। ठीक है, मतलब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, वो भाई भी ना हो, कुछ भी ना हो, अगर मैं एक्टर देख रहा हूँ तो मैं कहूँगा ये एक्टर जो है इसमें कुछ बहुत बड़ी बात जी। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, मैं आपको लेकर पाकिस्तान में टर्मिनेटर फिल्म बनाना चाहती हूँ, आप कितने पैसे लेंगे? हाँ जी, 200 जी। आप पहले कैमरा तो ले। अच्छा, इतने प्यार से कहेंगे तो आपसे मैं कुछ भी पैसे नहीं लूँगा, आप बनाइए। अरे वाह। कौन कौन ज़्यादा अच्छा एक्टर है दोनों में, या कोलीग आर्नल्ड या सिल्वेस्टर? कोलीग मेरे ख्याल में श्वार्ज़नेगर। अच्छा, और अब इतने यानी कि भारी भरकम लोगों के साथ फाइट सीन, हाँ, करने पड़े ना। हाँ, तो उसका मैंने जब मैं कास्ट हुआ तो मैं सोचा कि यार ये दो जिन हैं। हाँ, बाकायदा जिन। ठीक है, तो मुझे ये सोचना पड़ा कि इनकी तरह बॉडी बनाने, फिर मुझे इनसे कंपेयर करेंगे। हाँ, इसलिए अब बनानी तो थी क्योंकि वो इस तरह की फिल्म थी, तो मैंने अपना वर्कआउट बिल्कुल चेंज कर दिया ताकि वो उस तरह का मस्कुलर ना, वो इस तरह का मस्कुलर हो। हाँ, यू नो, ताकि कॉन्ट्रास्ट आ जाए दोनों के दरमियान। लेकिन वो दोनों, उन दोनों के आपस में ऐसा नोक झोंक चलती रहती है कि आर्नल्ड मुझसे बैठे बैठे कहेगा कि शर्त लगाओ। हाँ, मैं इससे 50 डंडे भी निकलवा देता हूँ। अच्छा, वाह, ठीक है, मैं कहा अच्छा लगवाऊं। हाँ, तो उसको जाएगा कि हे 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 स्लाय, आई थिंक द लास्ट टेक योर मसल्स लुक्ड अ लिटिल स्मॉल। थोड़ा सा पंप।
और बैठ के हंसता रहता है उसके बाद और वो वाकई अपना उसको वो करता है, वो खड़ा होकर वो जल्दी 50-50 लगा। शरारती आदमी है, सियासतदान भी तो हो गए। स्केप प्लान का कोई खास उस फिल्म का सबसे मजेदार वाकया ये है कि एक सीन है जिसमें मैं, श्वार्ज़नेगर और स्टलोन, हम लोग एक सीढ़ी है स्केप कर रहे हैं, उस पर हम लोग चढ़ रहे हैं। वो 4 मंजिलें चढ़नी थी, ठीक है, और वो टेक तकरीबन 12 दफ़ा होनी थी, हमें पता ही था क्योंकि उसके कवरेज बहुत थी। हुई हुई हुई। तो उसके तकरीबन कोई 30 टेक्स थी। अब आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त आर्नी एंड स्लाई दोनों की उम्र 76 साल थी, उन्होंने वो 35 टेक्स करवाई और एक वक्त आया कि उनके घुटने ख़त्म हो गए, रुके नहीं, डॉक्टर को बुलवाया, पेन किलर का इंजेक्शन लगवाया और ऊपर क्या। तो ये प्रोफेशनलिज्म है ना, ये प्रोफेशनलिज्म। तो ये नहीं कि जब कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ये आज ही करेंगे। जी दोबारा बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। मेरा फ्रांस ताहिर साहब से सवाल है कि आपने हॉलीवुड में आर्नोल्ड और सिल्वेस्टर के साथ काम किया, पाकिस्तान में आप किसके साथ फिल्म बनाना चाहेंगे? ये तो अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में किसके साथ फिल्म बनाना चाहूँगा तो से बेहतर ये है ये बात करते हैं कि फिल्म किसके साथ बना चुका हूँ, क्योंकि मेरी एक फिल्म आ रही है अमरो अय्यर। हाँ। तो मेरे ख्याल में इस पर हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, उन्होंने शेयर कीजिए। मगर उसमें आपने सिर्फ एज एन एक्टर काम किया ना, और कैसा तजुर्बा रहा, क्योंकि उसकी लुक्स तो बहुत अच्छी हैं जो टीजर्स आए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह फिल्म मेरे ख्याल में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म पहले नहीं बनी है और इस लेवल की भी नहीं बनी है, और हमने एक चीज़ की शुरुआत की है सिंसियरली, और उम्मीद है कि हम बनाएंगे, हमसे बेहतर कोई और बनाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, मेरे नज़दीक एक्सलेंट, हमारी टीम टॉप क्लास टीम, हर इंसान का फोकस, हर इंसान की मेहनत, क्योंकि हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म बनती नहीं, तो फिर आपकी ट्रेनिंग, आपका वो सब कुछ जो है वो कहाँ से लेवल कहाँ से, पानी पिलाने वाले से लेकर डायरेक्टर तक हर इंसान इस फिल्म में फोकस था। वेरी गुड। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए, अल्लाह से दुआ करते हैं शायद। वेरी गुड इंशाल्लाह। नहीं, बहुत सारी दुआएं आपके फिल्म के लिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। जी दोबारा बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। फरहान साहब, सुने हैं वहाँ हॉलीवुड में एक फिल्म कितने पैसे मिल जाते हैं कि यहाँ उतने पैसों में ड्रामों का एक पूरा चैनल खुल जाए? मूंगफली गल कर रहे हैं जनाब। मेरे नज़दीक पैसे का सवाल ही नहीं है, उसके नज़दीक है, उसके नज़दीक है वो ठीक है। मैं मेरे लिए काम के मयार का पैसा कुछ भी नहीं, आप काम करके पैसे मुझे दे दिया करें, इतना भी फ्री ना हो। लेकिन लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एवरेज आप जैसा जो एक एक्टर है, शानदार अदाकार जो है, उसको एवरेज, अपनी बात आप भले